फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए साइंस का पेपर लेके आए हैं, जो पेपर कल हुआ था। इस पेपर में, वैसे तो आपको पता होगा कि मैथ और साइंस मिक्स आती है, लेकिन इसमें हम आपको पहले साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, उसके बाद हम आपको मैथ्स की आंसर की भी दे देंगे। ये कौन सा पेपर है? ये जूनियर लेवल वाला पेपर है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 देखें, फ्रेंड्स आप लोगों के पास पेपर तो होगा, आप उसमें भी मिला सकते हैं। तो देखिए, 91 में क्या दिया, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो इसका आंसर होगा BCO2 के 16 ग्राम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विक्षेपित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, किस यौगिक में से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या एक पेपर जो हमने आपको कराया था उसमें निकाल के बताई थी, उसी तरीके से इसमें भी निकालनी है। इसका आंसर क्या होगा हमारा FO2। फर्स्ट प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, इसका आंसर होगा हमारा आइसोप्रीन। सर्वाधिक कथनांक वाला यौगिक है N-pentane। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, एरोटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, 4N+2। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये ऊपर जो है ये आपको उसके मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये क्या दिया है, घरेलू वायरिंग में भूतार का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए ग्रीन, क्योंकि रेड जो होता है वो हम अर्थ के लिए, नहीं सॉरी, रेड जो है हम वैसे वायरिंग के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ग्रीन ही होगा जो हम अर्थ के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम क्रिचॉफ लॉ की बात करें तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ABS3। उसके बाद नीचे आइए, देखिए इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, कोक। अब एक धातु में M अम्लों से प्रक्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने वाले काले रंग यौगिक देता है, तो उसको पहचानिए। तो इसका आंसर होगा हमारा कैल्शियम, CA, जो कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने पर ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, और अगर ये हाइड्रोजन से करता है तो ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो ये व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, इसका आंसर हमारा होगा CA। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला पेज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस पेज को। चलिए अब इस वाले पेपर में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे रदरफोर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, रदरफोर्ड ने अल्फा वाला जो है, तो इसमें आपका आंसर होगा प्रोटॉन का परमाणु के नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, या परमाणीय द्रव्यमान का। तो इसका आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणुओं के नाभिक बल का इसमें हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हवा। अब रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर को हम क्या कहते हैं, रेशम पालन कहते हैं। अगर 100 क्वेश्चन की बात करें, प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक, मतलब फर्स्ट होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा क्लोरोफिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह ऊतक जो हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है कहलाता है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ, स्नायु, या हम इसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं एक बार, ये वाला पेज हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। चलिए अब फ्रेंड देखिए, इस वाले पेज में
क्या बताया गया है? पौधों के जरायु अंकुरण होता है, तो इसमें हमारा आंसर होना चाहिए सेकंड वाला। अब प्रकाश संश्लेषण वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा आंसर होगा जल। रक्त वह घटक है, इसका हमारा आंसर होगा थर्ड। लेगरहेंस जो दीपिकाएं हैं वो अग्न्याशय में पाई जाती हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से एक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल? विटामिन भी है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए अब फ्रेंड्स, एक ये पेज और है, इसमें हमारा पेपर का लास्ट पेज है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछा गया है, ऊष्मा की एमआई जो मात्रा के यूनिट है वो पूछी गई है। हमने आपको जब भी साइंस पढ़ाया तो हमने आपको बताया कि यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट जूल। अब 140 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यदि पी एफ ए क्रमशः, तो इसमें क्या होगा? पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए सेकेंड। अब अगर हम 142 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 142, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होने वाला? थर्ड। और 143, 143 का हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये है आपके आंसर की साइंस के पेपर की। हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है इसका। सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और एक बार अपना पेपर चेक कर लीजिए। हो सकता है मुझसे कुछ क्वेश्चन मिस अगर हो गए तो प्लीज़ आप हमें बता देना, हम उनको भी आपको उनके भी आंसर प्रोवाइड कर देंगे। और एक बार जब ऑफिशियल किया जाए तो एक बार आप उससे भी अपने आंसर्स को चेक कर लेना। थैंक यू।